सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैपटेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। जो हम मोबाइल फोन परचेज करते हैं या कोई भी अपना गैजेट परचेज करते हैं, उसके अंदर जो हमें एड्स देखने को मिलती है, जो हम वेबसाइट खोलते हैं वहां पर जो हमें एड्स देखने को मिलती है, क्या हमें वो एड्स दिखाई देनी चाहिए या फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टोटली एड फ्री होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी रिसर्च भी देखेंगे, जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च क्या बोलती है। तो अगर मैं बात करूँ एड्स की मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो मेरा मानना तो ये मोबाइल फ़ोन में एड्स होनी ही नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ ब्रांड हैं जो वहाँ पर हमें एड्स दिखाते हैं। कुछ क्या, लगभग सारी कंपनियाँ हैं जो एड्स दिखाती हैं, बट यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है, कुछ इसे बहुत ज़्यादा चीप लेवल पर करते हैं, कुछ इसे थोड़ा बहुत रखते हैं ताकि जिसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ MI जैसे ब्रांड नहीं आ रहे, MI के अब फ़ोन अगर आप देखोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं, पर क्योंकि फिर बीच में बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी ऐड वगैरह ये सब चीज़ें, और दूसरे जो ब्रांड्स थे वो उन्हें ट्रोल करने लगे थे इससे रिलेटेड, तो उन्होंने एक फीचर दे दिया कि अगर आप चाहो तो ऐड को बंद भी कर सकते हो, पर्सनलाइज ऐड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो ऐड दिखाना ठीक भी है, बट स्टिल मेरा कहना यह है कि अगर आप एक एक्सपेंसिव फ़ोन ले रहे हो तो वहाँ पर ऐड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब इतने ले रहे हो तो 100-200 ज़्यादा ले लो, पर वहाँ पर कोई भी ऐड नहीं होनी चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐड फ्री होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इतनी ज़्यादा चीप ऐड होती है कि हम अपना फ़ोन किसी के सामने चला भी नहीं सकते। आप सिंपल ब्राउज कर रहे होगे, कौन सी ऐड आपके सामने आ जाएगी आपको कुछ नहीं पता, और आपने ये चीज़ तो एक्सपीरियंस करी होगी। जैसे UC ब्राउज़र अगर आपने कभी चलाया होगा, UC ब्राउज़र का आपको पता ही होगा उसके अंदर कितनी एड्स आती हैं। या तो ब्राउज़र की बात होगी, इन मोबाइल फ़ोन में भी आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारी ऐड वगैरह आती हैं। जैसे अगर आप म्यूज़िक वाला खोलते हो यहाँ पर सेक्शन, MI के फ़ोन के अंदर बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ MI को, बस जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर कि आपको एड्स देखने को मिलती है। जैसे ही आप म्यूज़िक को ओपन करते हो, म्यूज़िक के लिए ऐप, तो वहाँ पर आपको एड्स देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को आपके थोड़ा सा ख़राब कर देती है। और एड्स भी हो तो चलो ठीक है, कभी कभार अगर पर्सनलाइज ऐप भी होती है तो एक टाइम के लिए ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पोटेंशियल बायर छिपा है। अगर ऐड सही है और सही प्रोडक्ट की अगर आपको ऐड दिखाई जा रही है, हो सकता है वो अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली आप सामान खरीदते ही हो कहीं ना कहीं से, बाजार से या कैसे ना कैसे करके आप खरीदते ही हो, परचेज करते ही हो प्रोडक्ट्स, बट वो जो ऐड दिखाई जा रही है आपको वो सही होनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर हमारे साथ दिक्कत हो रही है कि जो ऐड है वो पर्सनलाइज नहीं है। अगर पर्सनलाइज ऐड भी आए तो फिर भी एक टाइम के लिए ठीक है, बट जो एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाती हैं ज़्यादा ऐड और ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के चक्कर में। ये लोग पैसा तो कम कर देते हैं, अगर आप किसी, मैं दूसरे फ़ोन की बात करूँ जैसे MI, Realme, कोई भी कम नहीं है, बस कोई ज़्यादा दिखाता है कोई कम दिखाता है, कोई ज़्यादा चीप लेवल तक गिर जाता है। यहाँ पर बात बस ये हो जाती है। अगर बाकी ब्रांड्स भी सारे लगभग ऐसे ही हैं, और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर एड्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। अब ये जगह कैसी है, जैसे अगर मान के चलो कोई नया प्रोडक्ट होता है, कभी कभार क्या होता है, अब जो प्रोडक्ट जिनका नाम है, जिन ब्रांड्स का नाम है उनके बारे में तो हमें पता ही है, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनके पास एक लौता ऐसा सोर्स है जिससे हम उनसे जान सकते हैं, वो है एड्स। और क्योंकि आज के टाइम पे जो मोबाइल ऐड है वो बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं उन्हें TV से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर उन्हें एक चीप सोर्स मिल जाता है और वो अपने कंज्यूमर्स तक पहुँच भी पाते हैं, वो हमें आसानी से अपनी प्रोडक्ट को शो भी कर पाते हैं, और हो सकता है आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो। बट ये चीज़ तब तक ठीक है जब तक वो ऐड आपको एक या दो बार दिखाया जा रहा है, बट तब दिमाग ख़राब हो जाता है जब वो कंटिन्यूसली पॉपअप आपके पास ऐड करी जाती है। आप कुछ भी खोलो वही चीज़ आ जाएगी, कुछ भी खोलो वही चीज़ आ जाएगी। जैसे सपोज़ करो अगर आप फ्लिपकार्ट पे गए, कोई भी आपने फ़ोन सर्च किया या फिर आपको कपड़े लेने गया, कुछ भी सर्च किया आपने, अब आप किसी भी फ़ोन में चले जाओगे, आप फ़ोन की किसी भी जगह पर जाओगे, MX प्लेयर खोलोगे वहाँ पर वही ऐड आ जाएगी, YouTube खोलोगे वहाँ पर वही ऐड आ जाएगी। तो बस कभी कभार तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जस्ट कभी कभार आपने उसे ऐसे स्क्रॉल कर लिया होता है या गलती से टच हो गया होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर पूछो मत, उसके बाद तो उसी प्रोडक्ट की आपको ऐड बार बार शो कराई जाती है। और एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग 83% लोग चाहते हैं कि एड्स बेकार नहीं है, एड्स सही है, बस पर्सनलाइज ऐड होनी चाहिए। और 73% या 77% लोग ये कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो एड्स को फिल्टर कर सके, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर हम एड्स को फिल्टर कर पाएं अपने अकॉर्डिंग कि कौन सी ऐड हमें देखनी है कौन सी ऐड हमें नहीं देखनी, क्योंकि जो मेरे लिए रिवेलेंट ही नहीं है, जो बिल्कुल ही बेकार है, उसका मेरे लिए क्या ही काम। मैं उस ऐड को देख के एक तरीके से मैं इरिटेट भी होऊंगा और टाइम बर्बाद भी होगा। जैसे आजकल YouTube में होता है कि एक ऐड तो दिखाई जाती है उसके साथ साथ एक और ऐड, यानी दो दो ऐड हमें देखनी पड़ती है सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए, और मैं तो वीडियो स्किप कर देता हूँ, मैं बाद में देख लेता हूँ, दो दो ऐड दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा। और उससे भी बुरी आती है नॉन स्किपेबल ऐड, जहाँ पर हम ऐड को स्किप ही नहीं कर पाते, मतलब ज़बरदस्ती है आपको चीज़ देखनी है, चाहे आपको चीज़ खरीदनी हो नहीं खरीदनी हो, आप एक पोटेंशियल बायर हो या फिर नहीं हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। जैसे आपने देखा होगा बीच में जो क्रेड नाम का एक ऐप है उसकी आ रही थी बहुत ज़्यादा ऐड आ रही थी,
तो वहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी हो जाती है जब आपको सेम ऐड हर जगह पर देखने को मिले और आपको उससे ऐड से कुछ करना भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऐड के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेकार बनाती हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ MI के अंदर ही ऐड आती है, ऐसा नहीं, सारे ब्रांड जितने भी फ़ोन हैं वो लगभग सभी आपको ऐड्स दिखाते हैं। बट हाँ, जैसे MI आपको दूसरी चीज़ों की ऐड दिखाता है, पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एप्पल, उसके अंदर भी होती है, बट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो अपने ही प्रोडक्ट को, अपने ही प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाते हैं, या कह सकते हो अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वहाँ पर वो फालतू की क्रिपी ऐप नहीं दिखाई जाती, इसलिए कभी आपको फील भी नहीं होता कि वहाँ पर एड्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ऐड तो लगभग ये कह सकते हो आप सभी ब्रांड दिखाते हैं, कहीं ना कहीं से उनको अपने फ़ायदे की देखनी होती है। MI इस तरीके से कॉस्ट कटिंग कर लेता है, कोई दूसरा ब्रांड किसी और तरीके से कॉस्ट कटिंग कर लेता है, जहाँ पर अगर हमने पकड़ लिया तो ठीक है, जहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे तो चल नहीं, तो जैसा चल रहा है। और बाकी आजकल ये अच्छी बात है कि हमारे पास ऑप्शन होता है एड्स को ब्लॉक करने का, हालांकि कुछ फोनों में वो बस नाम के लिए है कि ऐड तो फिर भी देखने को मिलेगी आपको, बट हाँ ये चीज़ सही है, एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम ऐड्स को अपने ब्लॉक कर सकते हैं। और कभी कभार तो ये दिक्कत भी होती है कि अगर पर्सनलाइज ऐड नहीं आ रही तो वो अलग अलग तरीके की बहुत ही बेकार ऐड आपको दिखाने लग जाते हैं, जो आप फिर मोबाइल अब किसी के सामने चला ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कौन सी ऐड कब पॉपअप हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे फ़ोन में ऐड्स आनी चाहिए? आप नीचे लिख के कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर नहीं आनी चाहिए तो कंपनी को इसके अलावा या इसका अल्टरनेट क्या सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ताकि अगर ऐड शो भी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो, जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।